नमस्कार दोस्तों, वर्डपेड के इस पार्ट टू में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम लोग सीखने वाले हैं कि वर्डपेड में कट कॉपी पेस्ट का यूज कैसे करते हैं एंड ये क्या होता है। आज से पहले आप सभी ने प्रैक्टिकल तो कट कॉपी पेस्ट का यूज किया होगा, लेकिन क्या आज से पहले आप कभी थ्योरेटिकल उसे समझने के प्रयास किए हैं? तो इस वीडियो में आपको पूरी थ्योरेटिकल्स के साथ साथ प्रैक्टिकल बताने वाले हैं कि कट कॉपी पेस्ट क्या होता है। तो अगर आप सीखने से इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में बने रहे एंड तक, एंड चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दें। तो हम वीडियो करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्लिपबोर्ड, जिसमें आपको दिखाई दे रहे होंगे कट कॉपी पेस्ट। हम सबसे पहले बात करेंगे कि कट क्या होता है और इसका प्रैक्टिकल यूज कैसे करते हैं। तो पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं कि कट किसको बोलते हैं एंड ये होता क्या है। तो आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे कट क्या होता है। हम आपको बारीकी से समझाते जाते हैं कि कट क्या होता है। को कटिंग वर्ड से लिया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग काटना होता है। किसी भी आइटम या डाटा, जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, लिंक को अगर एक जगह से रिमूव करके या डिलीट करके हमें किसी अन्य जगह में रखना हो तो हम कट का प्रयोग करेंगे। जैसे कि इस यहाँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे सामने यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं इस वेलकम को यहाँ ना रख के इस जगह पे रख दें तो हम रख सकते हैं कट की मदद से। सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को कट या कॉपी करने के लिए आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स करना है। जैसे ही एक्स करेंगे आपके सामने वो वहाँ से हट जाएगा, जैसा कि आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है, हट गया। अब आपको जहाँ भी रखना हो कंट्रोल भी से आप उसे पेस्ट करके रख सकते हैं। ये होता है आपका कट। कट में सिंपल समझिए कि जिस भी ऑब्जेक्ट या फोटो या फाइल को हम कट करते हैं वह पुराना लोकेशन से डिलीट हो जाता है और उसे हम एक नया लोकेशन में रख सकते हैं। ये हो गया कट की। और कट का शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होता है, जैसा कि आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा होगा। अब बात करते हैं कॉपी की। तो कॉपी समझ लिए पहले थ्योरेटिकल, उसके बाद हम समझेंगे प्रैक्टिकल। तो किसी भी डाटा का डुप्लीकेट बनाने की प्रक्रिया को कॉपी कहा जाता है। जैसे कि यदि आपके कंप्यूटर में कोई वीडियो है या फाइल है और आप चाहते हैं कि उसे अन्य कंप्यूटर में भी रखना है तो आप कॉपी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मेरा कट का जो डिफिनेशन दिए, हम चाहते हैं कि इसे यहाँ भी रखें और साथ में इस जगह पे रख दें तो हम रख सकते हैं कॉपी की मदद से। कॉपी क्या करता है, किसी भी डाटा का सेम डुप्लीकेट डाटा बना देता है। जैसे कि सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कीबोर्ड से कंट्रोल सी प्रेस करना है, ये आपका डाटा कॉपी हो जाएगा। और आपको जहाँ भी इसके पेस्ट करके रखना है आप वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं कंट्रोल भी से, तो इस तरीके से मेरा डाटा पेस्ट हो जाएगा। मुझे यकीन है कि आपको कट और कॉपी समझ में आया होगा, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। अगर अभी भी दिक्कत आपको है समझने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।